मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी कम ही देखने को मिलती है, मैंने तो शायद एक आध को देखा होगा तो देखा होगा, और इनके लिए जितना कहो कम है। पूरी बातें अगर मैं इनकी बताने लगूं जो इनकी उपलब्धियां हैं तो सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। सुंदर है, भगवान ने वक्त देख के इनको गढ़ा है। तो अगर ये 3 मिसेस इंडिया के खिताब जीत चुकी हैं तो आप कहेंगे कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो 3 खिताब जीत चुकी हैं प्रोफेशनली, शी इज ए गायनेकोलॉजिस्ट, IV स्पेशलिस्ट, और तो और इन्होंने लॉ भी नहीं छोड़ा। बड़ा कम कॉम्बिनेशन आपको मिलना पड़ा होगा। लॉ इन्होंने, शी इज PG इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल लीगल सिस्टम में इन्होंने किया हुआ है। सीनियर कंसल्टेंट हैं अपोलो में। आप यकीन मानिए हम लोग कितना सोशल वर्क करते हैं, पता नहीं ये सोशल वर्कर भी है इन स्पाइट ऑफ ऑल सब मसरूफियत के। एंड जो एक बात है जिसकी वजह से मैंने कहा कि भगवान ने टैलेंट भी इनको छप्पर फाड़ के दिया है, शी इज अ वेरी गुड सिंगर। संगीत में विशारद किया हुआ है क्लासिकल संगीत में। तो अब मैं हैंडिंग ओवर टू पूजा। अच्छा, ये आज आपको मेनोपॉज के बाद, आप उसको हंसी में मत उड़ाइएगा कि हम बहुत अरसा हो गया, बट थिंग इज कि देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स व्हिच कम अप आफ्टर 15 इयर्स और 20 इयर्स, लाइक लोनलीनेस हुआ, आपके ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, ये सब प्रॉब्लम्स आज पहले वो उस पर बताएंगी। आपको अगर कुछ सवाल उसके इनके बोलने के बाद करना होगा तो वो कर लीजिएगा, एंड आफ्टर दैट आई रिक्वेस्ट हर टू सिंग। शी इज अ ब्यूटिफुल सिंगर, आपने इनका सुन भी चुका होगा। प्लीज, आई एम गिविंग द माइक टू। लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ, जिसे उम्र बोलते हैं, जो हम जीते थे करीब 40 साल की हुआ करती थी। जब मैंने मेडिसिन पढ़ना शुरू करा तो 61 साल की हो गई, और अब 67 ईयर्स की हमारी इंडिया की एवरेज लाइफ है। ऑफ़ कोर्स हम 98 और 87 का टारगेट अगर जापानीज पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो वो कहीं आगे हैं। फिर भी जिस सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा को हम लोग बिलोंग करते हैं, मैं ये मानती हूँ कि एक महिला होते हुए अगर 14 साल से 44 साल की उम्र हमारी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप थी, और 44 के बाद अगर 47 को हम माने कि हमारी एवरेज इंडिया की मेनोपॉज एज 47 ईयर्स है, वर्ल्ड की एवरेज 51 ईयर्स है। इट्स ओके टू कीप मेंस्ट्रुएटिंग टिल 55 ईयर्स ऑफ एज, बट हकीकत यह है कि भले ही वो 47 हो, 40 हो या 55 हो, अगर हम लोग 30 साल के करीब ऑन एन एवरेज मेनोपॉज के बाद 30 साल के करीब हम जिंदा रहते हैं, और अगर उसमें अगर हम उस वक्त की मेनोपॉज की, जस्ट बिफोर मेनोपॉज, ड्यूरिंग मेनोपॉज, इमीडिएट पोस्ट मेनोपॉज की बातें करें, तो सभी हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट्स, पैल्पिटेशन, घबराहट, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, इनकी बातें करेंगे। बट जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइफ होती है उसमें जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम लोगों को पड़ता है, जिसकी आदत हमको नहीं होती है, वो है कि हमारा जो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन होता है वो अचानक से गायब हो जाता है। वो हमें जब गायब हो जाता है तो हमको जो उसने आज तक प्रोटेक्ट करा होता है वो 2 मोटी मोटी चीज़ों से प्रोटेक्ट करा होता है। आपने देखा होगा, अगर आप मेन पॉपुलेशन को देखें, आदमियों को देखें, तो उनका जो सडन हार्ट अटैक, सडन एंजाइना, ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस हैं एज अर्ली एज 40 में आ जाती हैं। यही चीज़ हमारी फीमेल पॉपुलेशन में, अगर आप अपने आसपास बातचीत करें तो 55-60 के बाद ही आती है सडन हार्ट अटैक और एंजाइना। वो फीमेल हार्मोन हमको बचा रहा था, एंड ऑल दिस वाइल वो जो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन था वो हमारी हड्डियों को भी बचा रहा था। हमारे पास एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन नहीं था इतना। हर फीमेल में मेल और फीमेल दोनों हैं, और हर मेल में भी मेल और फीमेल दोनों हैं। इसलिए अगर हम कहें कि हम फीमेल हैं, हमारे अंदर एस्ट्रोजन है और एंड्रोजन नहीं है, तो वो बात भी गलत है। पर जब हम मेनोपॉज को अचीव कर लेते हैं तो एस्ट्रोजन धीरे 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 कम होती चली जाती है और एंड्रोजन बढ़ता चला जाता है। तभी कहीं ना कहीं जो चेहरे पे कभी बाल नहीं थे वो अचानक से इरप्ट हो जाते हैं, भले ही वो अपर लिप पे हो रहे हैं, साइड पे हो रहे हैं, चिन पे हो रहे हैं, बट ये चीज़ें होती हैं। अचानक से जो हमारे डेंस हेयर थे वो मेल इन्फ्लुएंस में आ गए, तो जैसे मेन के हेयर का लॉस होता है तो उनके मेल पैटर्न जैसा हेयर लॉस नहीं होता, हमारी हेयर लाइन तो हमेशा वैसे ही दुरुस्त रहती है, पर फिर भी जो आगे के हेयर होते हैं, जो ये जिसे टोपी बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं, हमारे यहाँ से हेयर लॉस डिफ्यूज स्टार्ट हो जाता है। हमारे नेल्स
में लाइनें पड़ने लगती हैं, रिजेज आने लगते हैं, हमारे हेयर ड्राई होने लगते हैं। फीमेल हार्मोन कम हो गया, मेल हार्मोन ने अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया। फीमेल हार्मोन ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह हम लोगों को इम्पैक्ट करा, चलो ये सारी बातें छोटी मोटी खूबसूरती की हैं, हमें इम्पैक्ट करती हैं, फेमिनिटी हमारी इफेक्ट नहीं होती है मेनोपॉज से। वी आर वुमेन, वील कंटिन्यू टू बी वुमेन, वील कंटिन्यू टू रिस्पेक्ट ईच अदर, एंड आई रादर से आई कंटिन्यू टू लव माई सेल्फ इवन इफ आई एम मेनोपॉजल, दैट इज़ नॉट द इशू। बट द इशू इज़ कि जो हमारे को चैलेंजेस आ रहे हैं, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि आपको पता है मेन में भी मेनोपॉज का एक काउंटर पार्ट होता है एंड्रोपॉज, वो होता है उनका 70 साल की उम्र के करीब। पर वो जो होता है वो कब आता है, किस दिन हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ, वो किसी को नहीं पता। इट्स नॉट एज दो कि मेंसेस बंद हो गए तो उनके इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा वन फाइन डे, ऐसा नहीं है कि हमारे मेंसेस बंद हो गए तो हमारे एग्स कम हो गए तो उनके वन फाइन डे स्पर्म्स ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनका जो एंड्रोपॉज यानी मेल हार्मोन की डिप्लीशन 70 प्लस में आती है और हमारे आगे 45 के करीब, तो हमारे जो बोन्स हैं उसको चाहिए था एस्ट्रोजन डिपॉजिट करने के लिए और एंड्रोजन उसको मेंटेन करने के लिए। अब एस्ट्रोजन हमारा कम हो गया, एंड्रोजन हमें तो इतना चाहिए ही नहीं ना, जितना आ गया थोड़ा बहुत बैलेंस इम्बैलेंस की वजह से वो ठीक है। इसी कारण आप और मैं, हम लोग जल्दी झुकते हैं, एज इन झुकना मतलब हमारी जो पीठ है वो कर्व होती है, हमारे जो बोन्स के खोखलापन है, जो बोन मिनरल डेंसिटी है, जो बोन मास है, वो जल्दी ख़त्म होता है। क्योंकि वो जो प्रोटेक्ट कर रहा था वो चला गया और जो दूसरों को ऑपोजिट सेक्स को प्रोटेक्ट कर रहा था वो हमें उतनी मात्रा में चाहिए भी नहीं ना। हम तो नहीं चाहते हमें एंड्रोजन मिले, ना हम एंड्रोजन के इंजेक्शन लेंगे, ना हम टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लेंगे, हमें तो बहुत साइड इफेक्ट होंगे उसके। तो हम कर क्या सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया दो शब्द हैं। ऑस्टियोपीनिया का मतलब होता है कि बोन मास कम हो गया, पर उतना नहीं कि अचानक से चोट लगने पे, धक्का लगने से, स्ट्रेस पड़ने पे हड्डी टूटे, एक वैल्यू तक है। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस है जो उससे वर्स है। ऑस्टियोपोरोसिस में एक छोटी सी चीज़ हो जाती है, लो इम्पैक्ट फ्रैक्चर, यूँ टक्कर लगी कोनी टूट गई, स्ट्रेस मतलब किसी ने हल्का सा धक्का मारा, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। इसकी भी कोई फेवरेट जगह हैं, आप सब ने ऑफकोर्स सुना होगा कि हिप का फ्रैक्चर हो गया। हिप में हमें पता है हमारी जो लॉन्ग बोन है फीमर के हेड का फ्रैक्चर हो गया, जो उसका गोल है, बॉल उसका हो गया। एक्चुअली बॉल हार्डली टूटती है, बॉल कनेक्टेड होती है बाकी सबसे, छोटे से नेक से, और नेक टूटता है तो नेक ऑफ द फीमर टूटता है। दूसरा जो चीज़ हमारी ख़राब होती है वो हमारे ये आप देख रहे हैं हाथ में, आप ये हड्डी देख रहे हैं, ये जो प्रोजेक्टेड है, ये वाली हड्डी का जो पॉइंट है ये टूटता है, इसे कोलीस फ्रैक्चर बोलते हैं। तीसरी जगह जो हमारी जाती है जिसका फ्रैक्चर तो नहीं होता है पर वो घिसती चली जाती है, वो है हमारी एक एक वर्टिब्रा, अगर बैकबोन का इतना इतना है तो वो धीरे धीरे घिस रहा है। अगर वो घिस रहा है तो जो बीच की स्पेस है उन स्पाइन वाली जगह पे भी वो इम्पैक्ट करेगा, तो हमारी लॉस ऑफ हाइट जल्दी हो जाती है। अगर आप मेल को देखें तो उसकी आधा एक इंच कम होगी हाइट, पर जब तक होएगी वो 75 साल के होंगे। हम लोगों की पहले हाइट की श्रिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। सो स्टे टॉल, कहते हैं ना पीछे एक नींबू रखिए, ऐसे पीछे हाथ करिए तो ऐसे चेस्ट रहेगा। वो छोटी छोटी जो बातें बचपन में मम्मी ऐसे पीछे से धक्का मारती होती ना, सीधे बैठो, वो आपको अपने आप को कहना पड़ेगा सीधे बैठो, बिकॉज हमारी लॉस ऑफ हाइट हो रही है। उस लॉस ऑफ हाइट के अंदर हमें झुकना नहीं है, छोटी छोटी सी ये बातें हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया हमें कैसे पता चलेगा हुआ है। ऑफकोर्स गैस पैरामीटर तो होता है, सारी दुनिया हर चीज़ के टेस्ट नहीं कराती है, पर बोन मिनरल डेंसिटी BMD जिसे डेक्सा स्कैन बोलते हैं, ये एक बहुत ज़रूरी टेस्ट है। जब हम कहते हैं ना मैंने तो अपने सारे टेस्ट कराए हैं, मैंने ब्लड वाले को बुलाया था, आई मीन वी कैन एक्चुअली थ्रो दैट रिपोर्ट इन द डस्टबिन, बिकॉज वॉट इज़ इट टेलिंग अस, इट इज़ जस्ट टेलिंग अस हीमोग्लोबिन, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटा माटी, जो हम लोगों को प्रॉब्लम रहती है। बाकी चीज़ों तो वो कुछ बताता नहीं, ना हमारे ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बताता है, ना सर्विक्स कैंसर की रिस्क बताता है, ना यूट्रस की रिस्क बताता है, ना कोई फाइब्रॉइड बताता है, और ना ही बोन के बारे में बताता है। रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ बिकॉज ऑफ टाइम, इसलिए रैपिड रेट ऑफ फ्लो ऑफ वर्ड्स में मैं बोल रही हूँ, मैं जानती हूँ कितनी तेज में बोल रही हूँ, बट कुछ तो मैंने करेक्ट करना, मैं करूँगी ना इतना धीरे तो कुछ भी नहीं होएगा। मेरे को दे
तो बोन डेंसिटी एक टेस्ट है जो हमको सालाना कराना है, एवरी ईयर कराना है आफ्टर द एज ऑफ 40. देखिए उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 1500 रुपये तक का वो होता है. आपको बस एक जगह एक सेकंड के लिए लेटा देते हैं, एक ऐसे करके स्क्रीन होता है उसमें वो खट से एक एक्सरे खींचता है, ऊपर से नीचे पूरी बोन्स का खींचता है. आप जितने पैसे देंगे उतनी उतनी बोन्स का वो आपको रिस्क बताएंगे, बट बेस केस में वो आपको यहाँ का और यहाँ नीचे वाली लंबोसेक्रल ये वाले का बता देगा. उससे आपको ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस पता चल जाएगा. अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप कोई चीज़ को बदलना चाहें तो बदल सकती हैं. अगर ऑस्टियोपेनिया है और ऑस्टियोपोरोसिस नहीं चाहती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से वापस ऑस्टियोपेनिया चाहती हैं, तो ये हकीकत है. इट इज़ नॉट एन इरिवर्सिबल थिंग, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि नहीं ये हो गया तो चलो इतने में मैं मेंटेन कर लूँ. अगर आशा का दिया नहीं है ना तो कोई कुछ नहीं करेगा. बट ऑन द अदर हैंड इसमें भी कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है कि कैल्शियम हमें खाना है. 40 इयर्स के जिस दिन हो गए उस दिन से कैल्शियम खाना शुरू करो. और आपको हैरानी होगी कि जिस दिन वाकई में आपको मेनोपॉज होगा, मेनोपॉज क्या है, हम मुड़ के एक साल पीछे रेट्रोस्पेक्टिवली देख रहे हैं कि एक साल पहले मेरा पीरियड हुआ था, दैट इज़ मेनोपॉज, नॉट इरेगुलर पीरियड्स. एक साल पहले मेरा लास्ट पीरियड हुआ था, ये मेनोपॉज है. तो जिस दिन आपको ये रियलाइज़ होता है, आपको ये रियलाइजेशन शायद कोई नहीं देता है कि आपकी 30% बोन मास यूरिन में निकल चुका है. बस यही सोचते सोचते कि मेरा मेनोपॉज आया नहीं आया, चलो थोड़े दिन बाद ही आ रहा है, बहुत अच्छी बात है. वो 30% जो आप यूरिन में कैल्शियम लूज़ कर चुकी हैं, वो 30% लॉस ऑलरेडी है. इसको बदलने के लिए आप उस दिन से शुरू करें, उससे बेहतर ये है कि 40 ईयर्स ऑनवर्ड्स आप कैल्शियम खाना शुरू करें. अब आप बोलेंगे मैं कैल्शियम खाती हूँ, गैस हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, इतनी बड़ी गोली है, कोई और सोल्यूशन है कि नहीं? दो सोल्यूशन है. 1.5 लीटर दूध पीजिए हर रोज़, इट्स अ वेरी सिंपल सोल्यूशन, मुश्किल नहीं है. अगर 1.5 लीटर दूध का वो पानी अगर आप हटा लें तो पानी आप अलग यूज़ कर लीजिए किसी दाल में, पनीर दूसरी तरफ यूज़ कर लीजिए, दही के फॉर्मेट में ले लीजिए, दूध के फॉर्मेट में ले लीजिए चाय. 1.5 लीटर ज़्यादा नहीं होता, वो 1.5 लीटर आपकी एक गोली के बराबर है. चॉइस इज योर्स, इट्स वेरी सिंपल. पनीर है, चीज़ है, दही है, दूध है, वट एवर, बट उस 1.5 लीटर में वो पानी भी आपको यूज़ करना है. भले आप आटे में गूंदे, भले आप दाल में डालें, भले आप उसको ड्रिंक बना के पीजिए, पर वो फेंकने के लिए नहीं है. कैल्शियम, हाँ जी, मैंने एक स्टेटमेंट बोली लाइफ लॉन्ग, कोई गैप नहीं चाहिए. आप 2-3 दिन सांस नहीं लेती फिर 2-3 दिन बाद सांस लेती है, ऐसा तो नहीं होता ना? नहीं, वो डॉक्टर्स इसलिए कहते हैं, आई टेल यू व्हाट हैपेंस. आप डॉक्टर के पास जाते हैं, नो डॉक्टर विल राइट यू अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मोर देन 3 मंथ्स ऑफ ड्यूरेशन फॉर 2 रीजंस. कि 3 महीने के बाद आपकी बॉडी में क्या हो रहा है पता नहीं, शायद रोकने की ज़रूरत पड़े, एंड सेकेंड 3 महीने बाद वापस तो आएगा, एक कंसल्ट और होगी. देयर इज नथिंग लाइफ लॉन्ग, बट द एडवाइस आई एम गिविंग यू इज अ बॉल पार्क, नथिंग टू डू विद इंडिविजुअल कंसल्टेशन कि भाई आपके केस में ऐसा है आपके में नहीं है. तो कैल्शियम एक सिंपल चीज़ है, लाइफ लॉन्ग खानी है, वरना 1.5 लीटर दूध पियो, अनलेस अंटिल देयर इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन का हार्मोनल इशू है, कैल्शियम नहीं खाना वगैरह. कैल्शियम आप कितना भी खा लेंगे ना वो वेस्ट है अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है. विटामिन डी एक विटामिन है, फिर उसको प्रो विटामिन बोला गया, मदर विटामिन, आज उसको मदर हार्मोन बोलते हैं, प्रो हार्मोन. इतना बड़ा रोल है विटामिन डी का. अब विटामिन डी हमें चाहिए तो धूप में जा सकते हैं, काले हो सकते हैं, स्किन कैंसर कर सकते हैं, टैनिंग कर सकते हैं, पर विटामिन डी ऐसे नहीं आता. विटामिन डी का एक पर्टिकुलर टाइम है अर्ली इन द मॉर्निंग जो आप अपने आप को फुल बॉडी एक्सपोज करेंगे 49 डेज के लिए, तो वो विटामिन डी की रिप्लेनिशमेंट उतनी होगी जितनी हमको वाकई में चाहिए. प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट हैपनिंग. जब मजदूर लेबरर जो इतनी मशक्क़त करता है उसका विटामिन डी इतना कम आता है, तो अगर हम सोचें कि सब इतने ईजी चीज़ों से हो जाता है तो नहीं होता. फिर आप बोलोगे डाइट में तो बताया नहीं. डाइट में मैंने कैल्शियम का हाइएस्ट सोर्स आपको बताया, मिल्क. दूसरी चीज़ मैंने आपको जो सोर्स में बताई नहीं है अभी तक, वो है पेठा, गुआवा, इसमें कैल्शियम होता है, उतना नहीं होता जितना मिल्क में होता है. इसके सिवा अगर हम देखें विटामिन डी, हाँ जी, वाइट, हाँ जी, तो जब हम बात करते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी मशरूम्स में है, सर्टन फिश में है, बाकी तो किसी में है ही नहीं, एंड एग में है.
और वो भी एग के योक में है। क्यों इतना बड़ा न्यूट्रिएंट एग को मानते हैं? और एग के योक को तो हम ऐसे डिस्कार्ड करते हैं कि एग का योक तो खाना ही नहीं है, मुझे तो कोलेस्ट्रॉल है, डॉक्टर ने बोला एग के पास नहीं जाना, वाइट खाऊंगी, यू नो ऑल दिस। हफ्ते में 2 एग योक तो बनते हैं नो मैटर व्हाट मैथ्स यू गो बाय, क्योंकि वो चीज़ें रिप्लेनिश ही नहीं हो सकती। अदरवाइज टैबलेट्स का ये विटामिन डी के या क्या या इंजेक्शन लीजिए विटामिन डी। 2 थिंग्स आई हैव टोल्ड यू। थर्ड इज एक्सरसाइज एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज, कार्डियोटोनिक एक्सरसाइज एंड कार्डियोमेट्रिक, आइसोटोनिक आइसोमेट्रिक। एक होता है वेट्स उठाना, उसका अपना महत्व है, दूसरा होता है कूदना, उसका अपना महत्व है। कितनी भी वीक आपकी बोन्स हैं, एक्सरसाइज कैल्शियम को जमाता है। विटामिन डी खाएंगे तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, एक्सरसाइज करोगे तो जाके चिपकेगा और रीबॉन्डिंग होगी। ये इंपॉर्टेंट है, स्विमिंग करो, रनिंग करो, जिमिंग करो, जो भी आप करो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स उसके बाद कुछ दवाइयाँ हैं, जो दवाइयाँ वंस इन अ वीक खाने वाली हैं, उसका साइड इफेक्ट भी है कि वो गैस्ट्राइटिस कॉज करता है, टाइम की शॉर्टेज नहीं, जो मैं बताती। देयर आर दोज वेयर विच आर नेजल स्प्रेज फॉर विटामिन डी रिप्लेनिशमेंट, सो दैट्स हाउ इट इज। सो आई एम गेटिंग सिग्नल्स टू एंड दिस टॉपिक, आई हैव एंडेड दिस टॉपिक। हाँ जी, देखिए बिसाइड्स बोन डेंसिटी देर आर 2 इम्पॉर्टेंट रीजन्स फॉर नी इशूज। वन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस पर से, कि वो बोन घिस रही है और जैसे रेगमार होता है लकड़ी का, उसके छोटे छोटे स्पिक्यूज आपको दर्द दे रहे हैं। दूसरा ये होता है कि हमने नीज का मिसयूज करा है, चाहे स्पोर्ट्स में, चाहे प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में, चाहे रनिंग में, जिसमें कार्टिलेज घिस जाता है और कार्टिलेज के टीयर हो जाता है। कई लोगों का जो लिक्विड होता है उसका वो कम हो जाता है और कई लोगों के लिगमेंट खींच जाते हैं। सबका अलग अलग ट्रीटमेंट है। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूं, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, मेरा एक यूट्यूब पे हेल्थ चैनल है, डॉक्टर पूजा दीवान, PUJADEWAN, गाइनी चैट। उसमें मैंने 4 वीडियो, एपिसोड 1, 2, 3, 4 सिर्फ बॉडी एक्स पेन इन एल्डरली पीपल को कवर करा है, जिसमें गठिया से लेके सब कवर करा है। तो मैं शेयर कर दूंगी, जो भी आपका कॉमन प्लेटफॉर्म है आंटी को भेज दूंगी, आंटी आप लोगों के ग्रुप में डाल देंगे वो। ओके, आई मूव ऑन। हाँ जी, आजकल तो कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए। आंटी, दूध नहीं पीना चाहिए, आटा नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, भले पूछे खाना क्या चाहिए। डू यू नो द लेटेस्ट थ्योरी इज कि मदर्स मिल्क के बाद, द लेटेस्ट थ्योरी इज मदर्स मिल्क के बाद आपको पूरी जिंदगी में दूध की जरूरत ही नहीं है। सो अंटिल प्रूवन अदरवाइज विद एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, दीज आर ऑल केस एनालिसिस विच आई डू नॉट वैल्यू, दिस इज नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, दिस इज एन एविडेंस बेस्ड ओपिनियन, कि जब तक आपकी केस स्टडीज, मेटा एनालिसिस इतने बड़े डेटा के साथ ना हो, करने को टू ईच वन इट्स ओन, आपको जो करना है आप करें, बट क्या हम उसको, क्या मैं एक मदर को कन्विंस कर सकती हूँ कि 6 महीने के बाद आपके दूध के सिवा किसी और दूध की ज़रूरत नहीं है? वो मदर न्यूट्रिएंट कहाँ से आएगा? 4 चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अंडा, मिल्क, आलू एंड कोकोनट वाटर, ये मदर न्यूट्रिएंट्स हैं। और बनाना, गरीब से गरीब इंसान को अगर ज़िंदा रहना है, ऑफकोर्स हम लोग कोई सीरियल ऐड करेंगे, वीट ऐड करेंगे, तो ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली चीपली अवेलेबल हैं एंड दे आर द मदर फूड्स। नेक्स्ट टॉपिक, कोकोनट मिल्क में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मैं कोकोनट वाटर बोल रही हूँ, मदर न्यूट्रिएंट्स है वो। हाँ जी, तो कहते हैं ना शुगर बढ़ाता है। आंटी, आप जब बीमार हो गए तब आपके लिए पर्सनलाइज बात हो रही है, बट मदर न्यूट्रिएंट है, सब कुछ है उसमें। आगे बढ़ूँ, टॉपिक 2, स्ट्रेस मैनेजमेंट। कहते हैं लाइफ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, सो स्ट्रेस इज अ कॉन्स्टेंट ऑल्सो। देर इज नो सिचुएशन इन दिस वर्ल्ड वेयर स्ट्रेस कैन बी इरेज्ड और रिमूव्ड बाय एनी इंडिविजुअल फॉर यू। यू कैन गो टू एनी डॉक्टर, पर वो नहीं होएगा। वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज टू मैनेज स्ट्रेस। यू कैन नॉट इरेज स्ट्रेस, आज ये नहीं तो कल वो नहीं तो परसों वो। दूसरी बात स्ट्रेस के बारे में ये है कि स्ट्रेस में 4-5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले, वॉट इज़ गिविंग यू स्ट्रेस?
सेकेंड, कैन आई हैंडल इट, कैन आई चेंज माई थॉट प्रोसेस, कैन आई डेवलप अ डायरी विच इज़ गोइंग टू टेल मी हाउ टू डील विद इट, हैव आई आइडेंटिफाइड माई नेगेटिव थाट्स एंड कैन आई डू थाट हैंडलिंग एंड कैन आई रिमूव द नेगेटिव वर्ड्स फ्रॉम माई डिक्शनरी. पर उससे पहले कुछ सिम्टम्स, अगर आपको लग रहा है मैं ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी लेवल्स लो हो रहे हैं, मैं थकी रहती हूँ, मैं मूडी हो गई हूँ, इरिटेबल हो गई हूँ, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो कह नहीं पा रही, जो वो बताना चाह रहा है मैं समझ नहीं पा रही, मैं पहले इतना अच्छे से तैयार होती थी, अब मैं अपने को निग्लेक्ट करती हूँ, मैं अपने को तो नहीं निग्लेक्ट करती पर मुझे लगता है कि जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं मैं उनको निग्लेक्ट कर रही हूँ, मुझे नींद उतनी अच्छे से नहीं आती, जैसे मैं कॉन्सेंट्रेट करती थी उतनी कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रही, जिस तरह से मुझे याद रहता था वो मुझे आज उतना भावी मतलब उतना इम्पैक्टफुल याद नहीं रह रहा है. यू नो देयर आर दीज लिटिल थिंग्स. यहाँ तक कि आप, ये तो सिम्टम्स हैं पर आप उसको साइंस की तरह साइकोसोमैटिकली मैनिफेस्ट कर सकती हैं. मतलब आपकी साइकोलॉजी आपकी बॉडी की लैंग्वेज की तरह चल रही है, वो कह रही है तो आपकी बॉडी में आपको सर दर्द हो रहा है, आपको स्लीपीनेस हो रही है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके टमी में चर्निंग सेंसेशन हो रही है, बटरफ्लाइज हो रही है, ना समझ आने वाली नॉन स्पेसिफिक बॉडी एक्स हो रही है, ये भी स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं. सिर्फ वही नहीं जो मैंने आपको बताए, और सबसे बड़ा सिम्टम जो स्ट्रेस का है वो आपका थॉट. तो हम पहले बात करते हैं, हम थॉट को आइडेंटिफाई करते हैं, छोटी सी बात करते हैं. कोविड आया था तो कोविड में थॉट ये था मुझे कोविड हो जाएगा, तो थॉट में आप पहले इस अपनी थॉट को स्टडी करिए ऑब्जेक्टिवली कि कोविड क्या बीमारी है, क्या क्या सिम्टम ला सकती है, क्या मुझे, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कोविड हो जाएगा, आप ये सोचिए मुझे कोविड नहीं हुआ है, उन्हें कोविड हुआ है. ये पॉजिटिव तरीका है बोलने का. दूसरा होता है हम नेगेटिव वर्ड्स न यूज़ करें, जैसे कि वी मस्ट नॉट डू दिस, आई हैव नॉट डन दिस. फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट हैज़ नॉट डन दीज गुड स्टेप्स विच इट ऑट टू हैव डन. इंस्टेड ऑफ दैट, गवर्नमेंट हैज़ डन दीज गुड स्टेप्स, इट कुड हैव बेटर्ड इटसेल्फ. शब्द ही आपने बदल दिए, आपकी वोकैबलरी वही है पर आपने शब्द बदल दिए. कहते हैं ना राम 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 राम, मार 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 मार, राम 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 बन जाता है. आप जो उच्चारण करेंगी, जो आप जपेंगी, वही आपके कानों में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बन के वापस आएगा. तो आपकी वो चीज़ें आपको हैंडल करनी. फिर पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं. पॉजिटिव थॉट्स में पॉजिटिविटी ये है दैट आई एम हेल्दी, आई एम नॉट डिजीज, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ माई गेटिंग दिस डिजीज इज लो. आपने अपने को एक पॉजिटिव थॉट फीडबैक दिया. फिर आप पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में घुसिए. पॉजिटिव एक्टिविटीज़ भले म्यूज़िक सुनना है, भले एक्सरसाइज करना है, भले सोशलाइज करना है, वॉक पे जाना है, पॉजिटिव एक्टिविटी में करिए. और अपने आप से एक दिन के एंड में पूछिए, सुबह उठ के अपने से पूछिए, आज इतना अच्छा दिन है, आज मैं अच्छा ये करूँगी. और जब दिन ख़त्म हो जाए तो अपने से सोने से पहले पूछिए, मैंने आज ये अच्छा किया, आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ. एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड लाइए अपने अंदर. ग्रैटिट्यूड सब दूसरे को थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसके पास गई, उसने मुझे थैंक यू बोला, मैंने अच्छा किया. ग्रैटिट्यूड अपने अंदर लाइए, मैंने अपने लिए ये चीज़ अच्छी करी. दूसरे के लिए क्या कि मैं आज मैंने आज 20-22 साल पुरानी साड़ी पहनी आपके फंक्शन के लिए, ये मेरा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रहेगा एट द एंड ऑफ द डे. कुछ तो पॉजिटिव ढूंढना ना, हर रोज़ तो पॉजिटिव नहीं होता है कुछ भी आप करें. एंड लास्ट में एक छोटी सी चीज़ होती है स्ट्रेस डायरी. स्ट्रेस डायरी क्या चीज़ है? इट्स नॉट अबाउट राइटिंग अ लॉन्ग डायरी, इट्स अबाउट ये चीज़ मुझे स्ट्रेस देती है. आप उस चीज़, उस थॉट को लिखिए, उस थॉट को आप ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करिए कि वो जो थॉट है, वो थॉट अगर मुझे स्ट्रेस दे रही है तो क्या ट्रिगर है जिससे ऐसे हो जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, मेरे से कोई एक, मुझे घर में एक पर्सन पसंद नहीं है या सोसाइटी में एक पर्सन पसंद नहीं है, तो मैं अपने से पूछूं कि वो क्या ऐसा बोलता है जिससे मैं ट्रिगर हो जाती हूँ. वो ट्रिगर नोट करिए. फिर आप ये नोट करिए कि जब वो ट्रिगर होता है तो मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ.
जैसे किसी ने आपको बोला, फॉर एग्जांपल आप कहीं से गुजर रही थी और किसी ने आपके ऊपर एक कमेंट मारा जो आपको पसंद नहीं आया, तो आपने उसको रिएक्ट करा, नेक्स्ट टाइम उसकी तो आदत है उसने वही बोलना है, आपने उस चीज़ को घर से सोच के गए थे कि अब के वो बोलेगा मैं चुप रहूँगी या मैं कुछ ऐसे डिप्लोमेटिकली बोल दूँगी, आप वो करेंगे। उसके बाद जब आप घर आएँ तो आप सोचें कि आपको जितना स्ट्रेस उसकी बात सुन के हुआ था, क्या मेरे ये लाइन यूँ बदलने से उसमें चेंज आया कि नहीं आया। इट्स नॉट ईजी। तो आप पहले वो फैक्टर ढूंढते हैं, फिर आप वो ट्रिगर ढूंढते हैं, फिर आप अपना रिस्पॉन्स सोचते हैं, फिर आप अपना न्यू रिस्पॉन्स सोचते हैं, फिर घर आके सोचते हैं कि ये मेरे साथ हुआ कि नहीं हुआ। डॉक्टर नहीं कर सकता, डॉक्टर आपको 2,500 रुपये में आधे घंटे का काउंसलिंग सेशन देगा। काउंसलिंग सेशन के बाद जब मैं कभी वापस आई हूँ काउंसलिंग सेशन से, तो मुझे हमेशा लगा आधे घंटे मैं ही बोल रही थी, 2,500 रुपये मैंने क्यों दिए मेरे को अपनी बात बोलनी थी, मैं आईने के सामने बोल देती, उसने तो 2 लाइन बोली, तो मैं अपने आईने के सामने बोल देती, अपने आईने से पूछ लेती, क्योंकि आधी से ज़्यादा बातें मैंने शायद ज़िंदगी में आईने से ही करी होगी। मेरे को आईने में अपना सेल्फ दिखता है, अपनी गलतियाँ अपनी त्रुटियाँ दिखती हैं तो मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में, दो चीज़ें और आती हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में, आने को तो बहुत कुछ आता है, एक है म्यूज़िक थेरेपी, संगीत चिकित्सा। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक गायन में, वोकल में मैंने संगीत विशारद किया। जब मैंने करा और जब मैंने पढ़ना शुरू करा पहले साल से, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इसमें तो बड़ी साइंस है। फिर मैंने मेडिसिन को म्यूज़िक के साथ जोड़ा, तो मैंने कहा म्यूज़िक इज़ मेडिसिन टू माई माइंड। फिर मेरे को समझ में आया कि राग जो होते हैं अलग 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 टाइम में क्यों गाए जाते हैं। हमें पता है दिन में 4 प्रहर होते हैं, प्रहर को भी 4 में डिवाइड कर दो, हर उस सब प्रहर को भी 4 में डिवाइड कर दो, हर अलग अलग टाइम में अलग अलग राग गाते हैं, हर राग के अलग नोट होते हैं उस जिन पे स्ट्रेस किया जाता है। तो ये समझ में आया कि अगर कोई ऐसा गाना, लता मंगेशकर जी का एक फेवरेट गाना है, जब वो इंटरव्यू देती थी उनसे पूछते थे कि कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वो कहते थे, वो क्या कहा करती थी, आएगा आने वाला, जिस राग में वो सेट है वो राग होपलेसनेस को होप में चेंज करता है। अब उनकी लाइफ में आएगा आने वाला, शी वाज सिंगल। अब रघुपति राघव राजा राम लाग खमाज में है, सारी दुनिया गाती थी, गांधी जी गाते थे, सब आज भी गाते हैं, वो क्या है, वो आपको आपके अंदर इंस्पिरेशन जगाने वाले राग का है। राग अब जैसे राग तोड़ी है, तो जो अकबर बीरबल के टाइम में तानसेन जी गाया करते थे, तो कहते थे राग तोड़ी गाया उन्होंने, तो तोड़ दिया, पिघला दिया एक स्टोन को। तो ये जो सारी बातें हैं, जैसे मेघ मल्हार गाया, मियाँ की मल्हार गाया, तो अचानक से बारिश हो गई, दीप है तो हाँ राग दीपक हो गया। सो उस पहले तो गायन शैली में उतना इम्पैक्ट आना चाहिए, वो चीज़ें आप भूल जाएं, पर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अब जैसे वहाँ पे पॉपुलर मूवी आई जिस्म, जिसके गाना था श्रेया घोषाल के, तुमको लेकर चले हम फिजाओं में, दूसरी तरफ आधा है चंद्रमा रात आधी, आपको मालूम है ना, दोनों एक ही राग में है, दोनों राग भैरवी में है, उन दोनों के नोट्स नीचे नीचे के हैं, और ये किस लिए, जिसको नींद ना आ रही हो उसको ठंडी ठंडी हवा के झोंके जैसे आ रहे, आप देखो ना, तुम तुमको लेकर चली हम फिजाओं में, जहाँ आया मीठा नशा, दिस इज द इम्पैक्ट। सो वी कैन ड्वेल इनफ इन टू म्यूजिक थेरेपी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे कॉलोनी में ही शांतम सेठ हैं और वो माइंडफुलनेस के प्रैक्टिशनर हैं, और जब हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं तो बुद्धिज़्म के अंदर एक छोटी सी चीज़ है जो कि जेन मास्टर थिक नट हान, जो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए थे, मिला नहीं वो अलग बात है, उन्होंने
बुद्धिज्म के अंदर एक छोटा सा कंपोनेंट वर्ल्ड के सामने रखा, जिसे कहते हैं माइंडफुलनेस। अब सडनली पिछले 5 साल में जिससे बात करो वो अपने इंग्लिश में एक माइंडफुलनेस वर्ड यहाँ से वहाँ छोड़ देता था। मैंने सोचा बहुत बड़ा वर्ड है जिसको देखो माइंडफुल करे जा रहा है। फिर समझ में आया कि माइंडफुलनेस का मतलब क्या है। बेसिकली इसका मतलब ये है, मैं यहाँ बैठी हूँ ना तो मेरा माइंड यहीं पर है, और जो दूसरा कर रहा है ना, मैं उसके प्रति उसके फीलिंग्स की तरफ भी जागरूक हूँ। अब जैसे हेयर एंड नाउ, नाउ एंड हियर, मैं हियर हूँ तो मैं यहाँ नाउ में हूँ, मैं नाउ में हूँ इसलिए मैं यहाँ हियर हूँ। आपको ये डिसाइड करना है कि मैं अपने घर से चल के यहाँ तक आई थी इसे सुनने के लिए, या मैं सुनने के लिए ही यहाँ आई हूँ। माई माइंड टुक मी फॉर अ वॉक और आई टुक माई माइंड फॉर अ वॉक, मैं अपने माइंड को सैर पे ले गई, या माई माइंड टुक मी फॉर अ वॉक, मेरे माइंड ने मुझे बोला तुम वॉक पे जाओ, या मैं, विच एवर इज द गुड ऑफ इट, देयर इज नथिंग करेक्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि माई माइंड टुक मी फॉर अ वॉक, ओके, और द वॉक वॉज बिकॉज ऑफ माई माइंड। सो माइंडफुलनेस सेज दैट एवरी मिनट ऑफ योर एग्जिस्टेंस शुड बी अ वाओ मोमेंट फॉर योर सेल्फ। दूसरे तो भूल जाइए, अपनी सेवा खुद करो। आपका शरीर आपका पहला मंदिर है, आपका थॉट आपका पहला मंदिर है, आपका टीचिंग थॉट है। सो लव योर सेल्फ। आई एम एट लीस्ट ट्राइंग टू लव माई सेल्फ। थैंक यू सो मच।